हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 2 देख लें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब मेरे पास आइसोलेटेड एटम है गैसियस फॉर्म में, उससे हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मिनिमम जितना एनर्जी लगेगा उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास कोई एटम है एम सॉलिड फॉर्म में, इसको एनर्जी दिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और एम प्लस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा? तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा। लेकिन नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये जो है सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल नहीं होगा। तो कहीं भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में आपका दो प्रोसेस होता है, एक तो सब्लिमेशन हुआ और दूसरा जो है आयोनाइज हुआ एटम। तो सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन होता है कोई भी एटम सॉलिड से यदि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका सब्लिमेशन होगा तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस से अब आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसके लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, और सब्लिमेशन के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इस केस में जो एनर्जी है वो आपका सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा। तभी तो एटम पहले सब्लाइम करेगा उसके बाद उसका आयोनाइजेशन होगा। अगर उससे कम एनर्जी रहेगा तो सिर्फ सब्लिमेशन हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद आयोनाइजेशन के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ही नहीं है, उससे कम एनर्जी है तो आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपका सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा, अगर सॉलिड स्टेट में है कोई एटम तब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज। मतलब किसी भी रिएक्शन में यदि आयोनाइजेशन करवाएंगे तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होगा। तो ऐसा क्यों होगा? तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो आयोनाइज करवाने के लिए हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा तो एम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आयोनाइज होगा। मतलब रिएक्शन होने के बाद जो एटम था उसका एनर्जी बढ़ गया, तो एनर्जी जब बढ़ गया तो रिएक्शन का एच फाइनल ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एच फाइनल ज्यादा है एच इनिशियल से, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसलिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होता है हमेशा। मतलब किसी भी एटम को आयोनाइज करवाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसा कोई एटम नहीं होगा कि जिसको हम आयोनाइज करवा रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हमेशा एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए जो है ऑलवेज डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो आपके पास कोई मेटल है गैसियस फॉर्म में, इसको एनर्जी देंगे तो ये एम प्लस गैसियस बना लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसको IE1 बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उसके बाद इसको फर्दर एनर्जी देंगे तो ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देगा, तो M2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है जितना एनर्जी देना पड़ेगा M प्लस को दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, IE2। सिमिलरली M2 प्लस को और एनर्जी देंगे फर्दर तो आपका एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये आपका M3 प्लस। तो ये जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सिमिलरली ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कितना एनर्जी लगेगा तो IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है। मतलब ये बोल रहा है कि IE2 जो है वो हमेशा ज्यादा होगा IE1 से, सिमिलरली IE3 जो है वो हमेशा ज्यादा होगा IE2 से। तो पीरियोडिक टेबल पार्ट फर्स्ट में ही बताए थे कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब आपके पास कोई एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे रहेगा
और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो केटायन फॉर्म होगा, और एटॉमिक रेडियस के टाइम बताए थे कि केटायन का साइज जो है हमेशा कम होता है, मतलब एम प्लस का साइज स्मॉलर रहेगा एज कम्पेयर टू एम। सिमिलरली एम टू प्लस का साइज जो है स्मॉलर रहेगा एम प्लस से, एम थ्री प्लस का साइज जो है वो स्मॉलर रहेगा एम टू प्लस से। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और क्यू वन और क्यू टू का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो एफ जो है वो इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड रहेगा एक दूसरे के साथ, तो इसलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है। तो ये जो तीनों रिएक्शन हुआ, मतलब एम गैस से एम थ्री प्लस गैसियस बनाने के लिए हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो आई वन ताकि ये एम प्लस बन जाए, फिर आई टू एनर्जी देंगे तो आपका एम टू प्लस बन जाएगा, फिर आई थ्री एनर्जी देंगे तो एम थ्री प्लस बन जाएगा। मतलब एम गैसियस में आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के इक्वल एनर्जी देंगे तो आपका एम थ्री प्लस आयन फॉर्म कर लेगा और तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इसके बाद एक पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा कि नोबल गैसेस ओब्लिक इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड, मतलब कोई भी पीरियड में जो है नोबल गैसेस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है सेम पीरियड में। तो ये आपका जो है नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ग्रुप 18 का जितना एलिमेंट होता है, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट पीरियड में हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगा, सिमिलरली सेकंड पीरियड में नियॉन का सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, थर्ड पीरियड में आर्गन का, फोर्थ में क्रिप्टन का, सिक्स्थ पीरियड में सबसे हाईएस्ट ज़ेनॉन का, और सेवंथ पीरियड में सबसे हाईएस्ट रेडॉन का। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका नाम देखिए नोबल गैसेस, मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब ये नोबल रहता है, ये रिएक्शन ही करना नहीं चाहता है। अब हम इसको आयोनाइज करवा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए नोबल गैसेस का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आईआईटी में। तो ये क्या है कि आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि आर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फाइंड आउट करके बताओ। तो फर्स्ट फोर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ 284, 392, 674 और 3062। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जैसे फर्स्ट से सेकंड में गए तो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, सेकंड से थर्ड गए उसमें भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन थर्ड से जैसे ही फोर्थ में गए बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब एलिमेंट आर से हम लोग तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, मतलब एलिमेंट आर में से अगर तीन इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो आपका नोबल गैस में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया आर में, मतलब आर में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो हीलियम के इक्वल होगा या फिर नियोन या आर्गन या क्रिप्टन या ज़ेनॉन या रेडॉन, ये पता नहीं है, इसलिए जो है किसी भी नोबल गैस में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके इक्वल हो गया, बस ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें से हम तीन इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यही जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो आर के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होगा, उसके बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ रहेगा तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है साइज, साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। सेकेंड फैक्टर है जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव आपका होता है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, बट अगर शील्डिंग कॉन्स्टेंट इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा अगर सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तब। इसके बाद थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर, तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहता है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन कौन सा होता है, तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेगा या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल रहेगा, तो उस केस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहता है। अब हाफ फील्ड हो गया आपका पी ऑर्बिटल में तीनों इलेक्ट्रॉन रहे, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहे, या फिर फुल्ली फील्ड हो गया पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, ये सब जो है आपका हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का एग्जाम्पल है। अब हाफ फील्ड में एस वन नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो एस वन कंसिडर नहीं होता है। लेकिन P में जो है मैक्सिमम 6 होता है तो उसका हाफ हो जाएगा 3, D में मैक्सिमम 10 होता है तो उसका हाफ हो जाएगा 5, सिमिलरली फुल्ली फील्ड हो जाएगा P6, S ऑर्बिटल पूरा फुल हो तो S2 और D भी आपका फुल हो तो D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है, तो पहले S और P ब्लॉक में देखेंगे, तो इसमें जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, इसलिए जो है आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो अब एग्जांपल देखते हैं, तो सेकंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, तो ऐसे करके इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, फिर 1s2 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, तो ये आपका फुल्ली फील्ड है, ये आपका हाफ फील्ड है, ये आपका फुल्ली फील्ड है। ये तो ऐसे भी नोबेल गैस है तो सबसे हाईएस्ट इसी का होगा पीरियड में, तो नियोन का तो सबसे ज्यादा होगा ही, तो इसका कंपेरिजन मत कीजिए। बाकी इधर देख लेते हैं, तो जो फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा बोरोन से, सिमिलरली नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो ऑर्डर होगा लिथियम, फिर बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा बोरोन से कार्बन, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, उसके बाद क्लोरीन और नियोन, तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। अब इसके बाद IE2 का वैल्यू देखेंगे, तो IE2 के लिए क्या होगा, तो आपका वैल्यू होना चाहिए बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन, लिथियम का इस केस में सबसे ज्यादा हो गया, जबकि लिथियम तो सबसे लेफ्ट में आता था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है Li+ अटेंड कर लेता है, तो होना तो चाहिए आपका ये ऑर्डर, लेकिन होता ये नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, फिर वही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो B+ का होगा 2s2, ऑक्सीजन प्लस का होगा 2p3, उसके बाद फिर 2p4, 2p5 और Li+ का तो 1s2, ये तो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण सबसे ज्यादा, और B+ ज्यादा हो जाएगा कार्बन प्लस से और O+ ज्यादा हो जाएगा F+ से अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, तो आपका रियल ऑर्डर होता है बेरिलियम प्लस से ज्यादा कार्बन प्लस से ज्यादा बोरोन, फिर ये आपका ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है। सिमिलरली जो है आप अलोंग द पीरियड इसी टाइप से निकाल सकते हैं, तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है पोटेशियम कैल्शियम गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टोन, तो इसमें हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, तो कैल्शियम का होगा फुल्ली फील्ड 4s2, फिर 4p1 4p2 और आर्सेनिक का 4p3 हाफ फील्ड, फिर 4p4 5 क्रिप्टन का 4p6, ये तो ऐसे भी नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका तो सबसे हाईएस्ट होगा अलोंग द पीरियड, तो क्रिप्टन तो सबसे ज्यादा और कैल्शियम का जो है वो ज्यादा हो जाएगा गैलियम से, सिमिलरली आर्सेनिक का ज्यादा हो जाएगा सेलेनियम से, मतलब आर्सेनिक आगे आ जाएगा सेलेनियम से और
कैल्शियम आगे आ जाएगा गैलियम से, तो ऑर्डर हो जाएगा पोटेशियम, फिर गैलियम, फिर कैल्शियम, फिर जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, क्रिप्टन। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया फॉस्फेट का। अब इसके बाद डाउन द ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगा वो देखेंगे। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है एसओपी ब्लॉक में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा। तो सबसे हाईएस्ट लिथियम का, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सिमिलरली ग्रुप टू में बेरिलियम का हाईएस्ट, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम। सिमिलरली जो है नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम। फिर आपका ग्रुप 17 में हेलोजन फैमिली में क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सिमिलरली नोबेल गैस में भी होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे ग्रुप 18 में भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो हीलियम का ज्यादा, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनोन, और सबसे कम रेडोन का ग्रुप 18 में। अब जो है बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कार्बन फैमिली में तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस लीड का ज्यादा हो जाता है टीन से, जबकि लीड जो है नीचे आता है टीन से ग्रुप में, तो उसका कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा रहता है। और इसमें तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन हो जाता है बोरोन, फिर आपका थेलियम आ गया सबसे नीचे था, फिर गैलियम, फिर अल्मोनियम, फिर इंडियम। तो इसको आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं 1 5 3 2 4, मतलब फर्स्ट, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर आपका फोर्थ। तो 15,324 से आप ग्रुप 13 का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ध्यान में रख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है, फालतू में आप कंफ्यूज होइएगा। बस ये जान लीजिए कि ये होता है सबसे ज्यादा बोरोन का, फिर थेलियम का, फिर आपका गैलियम, फिर अल्मोनियम, फिर इंडियम। तो बस याद कर लीजिए कि यही है ऑर्डर। एग्जाम में आएगा तो हमको ये ऑर्डर जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक मारना है। तो एस और पी ब्लॉक के बाद अब हम लोग डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देखेंगे। तो 3D सीरीज में जो है ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है। तो ये लेफ्ट टू राइट वाला बहुत अजीब सा है, स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। डी ब्लॉक के एटॉमिक रेडियस के टाइम में देखे थे 3D सीरीज में कि पहले साइज डिक्रीज कर रहा था, फिर कॉन्स्टेंट था, फिर इंक्रीज कर रहा था। तो इस केस में जो है 3 फैक्टर आ जाता है, इसलिए जो है अजीबो गरीब ऑर्डर आ रहा है आपका 3D सीरीज के आयोनाइजेशन एनर्जी का। साइज कांस्टेंट है, फिर साइज डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का और मैंगनीज का। तो इन सब के नेट रिजल्ट से आपका यही ऑर्डर आता है। ये जो है एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है जिंक को चाहिए, उसके बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर क्रोमियम, इस ऑर्डर में ऑर्डर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं भी याद कीजिएगा तो ठीक है, और याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है। यदि गलती से पूछ दिया एग्जाम में तो आप बना सकते हैं। बहुत लोग तो इसको स्किप भी कर देते हैं, ये एग्जाम्पल बताते भी नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। हम बता दिए ताकि अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप। तो डी ब्लॉक में जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्केंडियम, यट्रियम, लेंथेनम के केस में तो आपका डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी स्केंडियम का, फिर यट्रियम का, फिर लेंथेनम का, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ ग्रुप नंबर 4 से 12 में साइज में भी बहुत वेरिएशन था, कि 4D और 5D सीरीज का साइज सेम रहता था, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑर्बिटल आ गया तो आपका पुअर शील्डिंग होता है एफ ऑर्बिटल, उसके कारण जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और 57 से डायरेक्ट 72 एटॉमिक नंबर चला जाता है, तो उसके कारण भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों के नेट इफेक्ट से जो है साइज लगभग 4D और 5D सीरीज का सेम रहता था। सिमिलरली यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब 3D से 4D सीरीज में जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z-सिग्मा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, जेड इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो एक फैक्टर के कारण इंक्रीज करता है, दूसरे के कारण डिक्रीज करता है, तो नेट जो है लगभग कॉन्स्टेंट रह जाता है। तो 3D और 4D का आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम रहता है।
किसी ग्रुप में 3D सीरीज का ज्यादा रहेगा, किसी ग्रुप में 4D सीरीज का ज्यादा रहेगा। अब 4D और 5D सीरीज में कंपेरिजन करेंगे तो 4D और 5D सीरीज में आपका एटॉमिक साइज तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, जेड का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद 4D और 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। तो 4D और 5D सीरीज का एटॉमिक रेडियस तो लगभग कांस्टेंट रहता है, लेकिन 4D से 5D सीरीज में जब जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के कारण आपका जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक साइज सेम है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज के कारण तो कोई चेंज नहीं, लेकिन जेड इफेक्टिव के कारण आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 5D सीरीज का ज्यादा होता है 4D से, और 4D और 3D का लगभग सेम रहता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा 5D सबसे ज्यादा, फिर 4D और 3D का लगभग कॉन्स्टेंट। लेकिन ये जो है ग्रुप नंबर 4 to 12 के लिए होता है, स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम में डिक्रीज करता है। स्कैंडियम का हाईएस्ट, फिर एट्रियम, फिर लेंथेनम, क्योंकि एटॉमिक साइज का वेरिएशन भी यहाँ ग्रुप नंबर 4 से 12 में होता है। तो ये आपका ऑर्डर है। अब कहीं पे 4D का ज्यादा हो जाता है 3D से, और कहीं पे 3D का ज्यादा हो जाता है 4D से। तो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 के केस में 4D सीरीज का ज्यादा रहता है 3D से, मतलब ग्रुप नंबर 4। तो जिरकोनियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा टाइटेनियम से, ग्रुप नंबर 5। तो नायोबियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा वेनेडियम से, सिमिलरली मोलिब्डेनम का ज्यादा रहेगा क्रोमियम से, और ग्रुप नंबर 10 तो पैलेडियम का ज्यादा रहता है निकल से। बाकी जितना ग्रुप है आपका 7, 8, 9, 11, 12, इस केस में 3D का ज्यादा रहता है 4D से। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन क्या होता है। तो पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो कोई भी एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक कब होगा, जब वो इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। तो इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो ज्यादा मेटेलिक करेक्टर, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो कोई ही मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर दे रिएक्शन करने के लिए। तो कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कब करेगा, जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक क्वेश्चन डी ब्लॉक से रिलेटेड कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, क्योंकि डी ब्लॉक के टाइम एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाए हैं। तो अरेंज इन इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला है वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, तो ये आपका फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। तो फिफ्थ ग्रुप में जो है 4D सीरीज का ज्यादा होता है 3D सीरीज से, तो टेंटेलम का तो सबसे ज्यादा, उससे कम नायोबियम, और सबसे कम 3D सीरीज वेनेडियम का। एंड सेकेंड है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये आपका ग्रुप 11 का एलिमेंट है, तो 5D तो सबसे ज्यादा होगा ही। अब 3D और 4D में, तो 3D का ज्यादा होता है 4D से, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 के अलावा। तो ये आपका 11 ग्रुप का है तो 3D ज्यादा होगा। तो कॉपर, फिर गोल्ड, सिल्वर, ये आपका ऑर्डर हो गया ग्रुप 11 के आयनाइजेशन एनर्जी का। अब एक पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हीलियम का होता है, और लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम का होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नोबेल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट पीरियड में हीलियम का सबसे ज्यादा, सेकंड पीरियड में नियोन का, थर्ड पीरियड में आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनोन, फिर रेडोन, और डाउन द ग्रुप पे डिक्रीज करता है। तो ये सबका सबसे हाईएस्ट होगा सेम पीरियड में, और इन सब में से डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा। तो हीलियम का सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने पीरियड में तो ये सब हाईएस्ट है। अब पूरा पीरियोडिक टेबल में कंपेरिजन करें या फिर इसी पीरियड में कंपेरिजन कर लें इसी ग्रुप में, तो आपका हाईएस्ट आ जाएगा, तो हीलियम का इसलिए सबसे ज्यादा होता है। सिमिलरली जो है सबसे लोवेस्ट होता है ग्रुप फर्स्ट का, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट पीरियड में हीलियम का सबसे कम, सेकंड पीरियड में लिथियम, सिमिलरली सोडियम का, थर्ड पीरियड में फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। मतलब ग्रुप फर्स्ट में यदि हम कंपेरिजन कर लें सबसे लोवेस्ट कौन है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल का लोवेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक पीरियड में तो सबसे लोवेस्ट जो है ग्रुप 1 ही होगा। और इसमें जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो सीजियम का सबसे कम होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में,
क्योंकि हाइड्रोजन से भी कम लिथियम, लिथियम से भी कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।